हेलो एवरीवन, ये जो इस बार का इस क्वार्टर का हमारा अपडेट है बहुत स्पेशल है। इसमें आपको पता है कि पिछले क्वार्टर में ग्रो ग्रुप की जो कंपनी है ब्रोकिंग कंपनी, वो इंडिया की नंबर वन कंपनी बन गई है। इसके लिए हम सबसे ज़्यादा वी आर थैंकफुल टू यू, वी आर ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ आवर कस्टमर्स। और हमको काफ़ी खुशी हुई, पर थोड़े इस टाइम में हमको पता चला कि अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है। अगर हम अगले 5 साल तक भी ऐसे अपडेट देते रहें तो भी हमने जो सोचा है बनाने के लिए वो हम अभी तक हमको टाइम लगेगा। वी आर ग्रेटफुल टू फॉर योर सपोर्ट एंड विल कंटिन्यू वर्किंग हार्ड, आपके लिए अच्छा एक्सपीरियंस बनाते रहेंगे। हर अपडेट में हम आपको बताते हैं कि हमने क्या लॉन्च किया है, पर अब धीरे धीरे हम ये भी हमको बताना शुरू करेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। जैसे कि अगर हम ग्रो ग्रुप लेवल पे कभी देखें तो टोटल कस्टमर जो है हमारे 1 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। ये जो 1 करोड़ की हम जो बात कर रहे हैं ये हमारे ऐप के थ्रू है, बट ऐप के अलावा भी हमारे बहुत सारे जो टच पॉइंट्स हैं, जैसे कि एग्जांपल आपको बताता हूँ, ग्रो डाइजेस्ट है हमारी जिसके 1 करोड़ से ज़्यादा अगेन सब्सक्राइबर्स है काफ़ी। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने जैसा कहा है, राइट, एवरीथिंग दैट काउंट्स कैन नॉट बी काउंटेड। सो हम हर चीज़ काउंट नहीं कर सकते, बट जो भी हम काउंट कर सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सो हम अपडेट शुरू करते हैं हमारे जो सबसे पहले प्रोडक्ट के साथ, जो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है। तो म्यूचुअल फंड में हमारे 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक म्यूचुअल फंड हमारी खुद की म्यूचुअल फंड हाउस है जो हमने इस साल लॉन्च किया, और एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जो 7.5 साल से अनबायस प्लेटफॉर्म आपके लिए जो रहा है। हमारी जो कंपनी है उसमें हमने ग्रो म्यूचुअल फंड टोटल मार्केट इंडेक्स फंड लॉन्च किया, जो पहला NFO था। बहुत अच्छा सपोर्ट मिला हमको सारे कस्टमर से, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और टोटल मार्केट इंडेक्स फंड मतलब कि ये इंडिया की सारी टॉप कंपनीज ऑलमोस्ट 750 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, डाइवर्सिफाई करता है। बट बिफोर इन्वेस्टिंग आपको अपना रिसर्च करना चाहिए, और उसके लिए ऑफकोर्स हमारा प्रोडक्ट पेज है, आप उस पर जाएंगे, उस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन साइड अगेन हम काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहाँ पे काफ़ी प्रोग्रेस भी हुई है। तो एज अ सेट सबसे पुराना प्रोडक्ट है इंडिया में, सबसे ज़्यादा SIPs ग्रो प्लेटफॉर्म पे होती है, और उसका जो मार्केट शेयर है काफ़ी ज़्यादा है। और क्योंकि हम उसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे, उसका एक्सपीरियंस बेटर करते रहेंगे, इस लास्ट क्वार्टर में जो लॉन्च किए, तो जो ऑर्डर ट्रैकिंग है वो काफ़ी सीमलेस हो गई है। स्पेसिफिकली जो नए कस्टमर्स आते हैं और वो जो पहली बार ऑर्डर प्लेस करते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा ऑर्डर का क्या हुआ, पैसे तो कट गए बट ऑर्डर का क्या हुआ। तो हमने उस ऑर्डर ट्रैकिंग में पूरा डिटेल्स डाल दिया है कि आपका ऑर्डर कैसे है, कहाँ पे आ रहा है, पैसे कैसे गए वगैरह वगैरह, और डैशबोर्ड पे ही ऑर्डर का स्टेटस भी डाल दिया है। तीसरी चीज़ जो हमने की है कि SIP मैनेजमेंट, तो SIP मैनेजमेंट को थोड़ा अच्छा बना दिया। तो कभी कभी आपको क्या लगता है कि अच्छा आज 10 तारीख है और मेरा SIP अगला SIP कब कटने वाला है, तो आपको अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करने होते हैं, उसका हमने कैलेंडर व्यू दे दिया है। तो आप SIP पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी तारीख को कितने पैसे कटने वाले हों विद डिफरेंट फंड्स एंड एवरीथिंग। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमने लॉन्च किया वो है UPI ऑटो पे। तो आप जब म्यूचुअल फंड करते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू मैंडेट सेट करते हैं, नाउ विथ UPI एक्सपीरियंस आपको सिर्फ अपने UPI पिन से आप मैंडेट सेट कर पाएंगे। अब हम आते हैं स्टॉक्स पर। स्टॉक्स में हमारी सबसे बड़ी टीम है, रिलेटिवली न्यूअर प्रोडक्ट, बट स्टिल थैंक्स टू योर सपोर्ट हम उसमें नंबर वन इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स है अभी। उसमें जो हमने इस बार बहुत सारी चीज़ें लॉन्च की है, एक जो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फीचर है वो है बायबैक का। तो बहुत सारी कंपनीज कभी कभी अपने स्टॉक्स बायबैक करती है। वैसे तो हम आपको इवेंट्स में बता देते हैं कि कंपनी का कब बायबैक हो रहा है, पर जो भी बायबैक अवेलेबल है आप जस्ट सर्च में बायबैक डालिएगा तो आपको सब पता चल जाएगा कौन सी कंपनी का बायबैक अवेलेबल है। और हमने एक इवेंट्स कैलेंडर लॉन्च किया है। तो इवेंट्स कैलेंडर क्या होता है कि जो लिस्टेड कंपनीज होती है उनके बहुत सारे अलग अलग तरह के इवेंट्स होते हैं, जैसे कोई स्प्लिट अनाउंस कर रहा है, कोई डिविडेंड अनाउंस कर रहा है, कोई बोनस अनाउंस कर रहा है, जैसे हमने बायबैक की बात की, बायबैक अनाउंस कर रहा है। तो एक होलिस्टिक व्यू आपको देता है सारी कंपनी अक्रॉस ऑल द कंपनीज की क्या क्या इवेंट्स आने वाले हैं। उसमें आप ये भी फिल्टर कर सकते हैं कि मेरे स्टॉक्स के कौन कौन से इवेंट्स हैं, मेरी वॉचलिस्ट के स्टॉक्स के कौन कौन से इवेंट्स हैं। तो आप ये ट्राई कीजिए इवेंट्स कैलेंडर, ये जब एक्सप्लोर पे जाएंगे तो आपको वहाँ दिखाई देगा। तीसरा एक जो हमने इम्प्रूवमेंट किया है, तो जो कंपनी के फाइनेंशियल्स होते हैं जो फंडामेंटल एनालाइज करते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है, तो हमने जो उसका बैकएंड है एक नए सप्लायर से लिया है। तो अब जो कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, तो पहले जिस चीज़ को लाइक 1 हफ्ता या 10 दिन लगते थे, अब वो 1 घंटे में अपडेट हो जाता है। तो एवरीथिंग अबाउट अ कंपनी इज़ अपडेटेड इन फ्रंट ऑफ यू। हमने 2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, बैंकेक्स और सेंसेक्स। तो जैसे कि निफ्टी एक प्रोडक्ट होता है, निफ्टी 50 प्रोडक्ट होता है, ऐसे ही बैंकेक्स और सेंसेक्स भी अभी हमने लॉन्च किए हैं। रिपोर्ट सेक्शन में हमने लॉन्च किया रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटीज़। अब कुछ जो एडवांस कस्टमर्स होते हैं उनके लिए एक फैसिलिटी लॉन्च की, जो कि प्लेज। प्लेज में क्या होता है कि जो आपकी होल्डिंग होती है आप उनको प्लेज कर सकते हैं और उनके अगेंस्ट आपको एक्स्ट्रा कैपिटल मिल जाता है फॉर ट्रेडिंग इन शेयर्स। तो दिस इज़ पॉपुलर अमंग एडवांस ट्रेडर्स,
बट इसका ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा रिस्की प्रोडक्ट होता है ये, सोच समझ के अपने रिस्क के हिसाब से इसको यूज़ करना चाहिए। तीसरे प्रोडक्ट पे आते हैं जो कि ट्रेडिंग। इतना सारा काम इसमें हो रहा है कि इसके लिए एक अलग सेक्शन हमने अपडेट में डाला है, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है चार्ट्स। तो अभी आप मोबाइल ऐप पे कभी चार्ट्स यूज़ कर रहे हो तो पहले आपको कभी ऐप चार्ट से बाहर जाना है, ऑर्डर्स देखने हैं या ऑप्शन चेंज, तो बार बार टू एंड फ्रो होता था। तो हमने अब चार्ट्स का नेविगेशन जो है बहुत चेंज कर दिया कि आप वहीं से आसानी से सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, आपकी पोजीशंस, आपके ऑर्डर्स, ऑप्शन चेन पर भी आप वहीं से जा सकते हैं। ये वाला एक्सपीरियंस आप ट्राई करके देखिए, आई एम श्योर यू वुड लव इट। एक और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फीचर्स हम जिसको बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फीचर्स का मतलब होता है कि सेट ऑफ फीचर्स जो हेल्प करें आपको इन थिंग्स लाइक कि आप ज़्यादा पैसे लूज ना करें, या फिर हेल्पिंग यू टू मेक बेटर ट्रेड्स और बेटर इन्वेस्टमेंट। तो इसमें जैसे आप जब ऑर्डर प्लेस करते हैं और हमको लगता है कि इसमें कुछ रिस्क है, या ऑप्शंस में जैसे आउट ऑफ मनी ऑप्शंस है, तो हम आपको वार्निंग दे देते हैं। अल्टीमेटली आपका चॉइस है कि आपको ये ऑर्डर प्लेस करने की नहीं, पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आपको वार्न करें अगर कभी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस इज हायर फॉर यू। हम जिसको ग्रोथ टर्मिनल बोलते हैं उस पर भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स डाले। तो अब टर्मिनल के अंदर ही आपको सब कुछ होल्डिंग पोजिशंस वगैरह सब कुछ विजिबल हो जाएंगे। तो अगर आप वेब ट्रेडर है तो फिर एक टर्मिनल के अलावा आपको कहीं जाने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेब टर्मिनल में ही हमने ऑल इंडाइसेस भी डाल दिए हैं सेट की, अगर आप टर्मिनल पे है तो वहीं से आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, ऑल इंडाइसेस आर अवेलेबल देयर। हमने एक और बहुत छोटा सा फीचर है कि जो ऑप्शन चेन होता है या फिर जो भी इंडेक्स होता है उसके ऊपर हमने क्लियरली डाल दिया कि एक्सपायरी कब हो रही है उस ऑप्शन की। तो ये सब ट्रांसपेरेंसी फीचर, कस्टमर को क्लियरली पता चल जाएगा कि आज इस इंडेक्स की एक्सपायरी है। अब हम आते हैं सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट पे। तो कस्टमर सपोर्ट जैसा कि आप जानते हैं कंज्यूमर कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। आजकल आप AI का भी बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, सब जगह पे AI बजवर्ड है। हमारी एक काफ़ी बड़ी टीम है जो इस पे काम कर रही है, और जो नया लॉन्च है उसमें आपके जो क्वेश्चंस का आंसर है बहुत कुछ AI के जरिए भी हम आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो इससे इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से बात नहीं कर सकते, हमारा कस्टमर सपोर्ट 24/7 अवेलेबल है और वो हमेशा मॉनिटर करते रहते हैं। पर इससे ये फायदा हो जाता है कि अब हम ज्यादा टाइम के लिए अवेलेबल हो सकते हैं और आपका रेस्पॉन्स टाइम जो है काफी कम हो जाता है और आपको ज्यादा डायरेक्टेड आंसर्स मिल जाते हैं। आपको याद होगा पिछले अपडेट में हमने एक बात की थी बुक की, इस साल 2023 में हम लोगों ने काफी इंडिया की काफी सिटीज में हमने विजिट किया, काफी सारे कस्टमर्स से मिले। पर्सनली आई वेंट टू लॉट ऑफ सिटीज इन UP, साउथ इंडिया, इवन इन सेंट्रल इंडिया। तो काफी सारी लर्निंग्स थी। तो हमारी टीम ने एक बुक प्रिपेयर करी, वो अमेजोन पे अवेलेबल हो गई है। उसका नाम है डिस्कवरिंग इंडिया थ्रू द आईज ऑफ ग्रो। काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, लाइक उसमें ज़्यादा ज्ञान नहीं है, बहुत ज़्यादा हमने उसको बहुत ही सिंपल स्टोरीज बताई है उसमें। लास्टली आपको पता है कि हमारी टीम YouTube पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, काफ़ी सारे चैनल्स है। तो उन्होंने 3 और नए चैनल्स लॉन्च किए हैं। एक है ग्रो NRI, जो कि NRI की प्रॉब्लम्स और NRI से रिलेटेड सारा कंटेंट वहाँ पे आता है। दूसरा है ग्रो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दैट इज सेकंड। थर्ड इज ग्रो बंगाली, हमारे काफ़ी सारे मल्टीलिंगुअल चैनल्स है, उसमें हमने एक और ऐड कर दिया। इसके अलावा हमारे जो दो एग्जिस्टिंग चैनल्स है जो काफ़ी पॉपुलर है YouTube पे, ट्रेडिंग विद ग्रो एंड म्यूचुअल फंड्स एट ग्रो, अब ये दोनों हमने Instagram पर भी अवेलेबल है। ये हमारा जो अपडेट है इस साल का लास्ट अपडेट है। तो अगले अपडेट हम 2024 में मिलेंगे। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.